के वापस आएंगे अपने प्रोग्राम में और हमारे मेहमान हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और एक बड़े ज़बरदस्त इशू पर मैं उनसे बात करने वाली हूँ। आमिर इस्माइल साहब हैं जो कि टोरंटो बेस्ड लाइसेंस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं और उनके साथ उनकी मिसेज मौजूद हैं अर्शी आमिर साहिबा जो कि टोरंटो सेटलमेंट सर्विसेज की डायरेक्टर हैं। और ये वो लोग हैं कि पाकिस्तानी जो कि यहाँ से काफ़ी तगड़ों के बाद कैनेडा पहुँचते हैं किसी भी तरीके से, जिन जिन तरीक़ों से पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ पैसे फंसाते हैं और कितने लोगों की बातों में आते हैं, परेशान रहते हैं और कुछ तो जो कि पहुंच जाते हैं और वहां जाके भी परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को ये लोग दूर करते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग है। इनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले मैं आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कॉज जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो कि कई एजेंट्स को पैसे दे चुके हैं और वो पैसों की वापसी उनकी आज तक नहीं हुई और अब वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बस अब भुला चुके हैं उन पैसों को। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पैसे भी उन्होंने दिए हैं और कोविड की वजह से उनको डिले कराया जा रहा है, वेट कराया जा रहा है। बताइएगा सही रास्ता क्या है और लोगों को आप किस तरह गाइड करेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदू किया, मिसेस को भी। और बहुत ही अलमिया है पाकिस्तान में। नेचुरली आप जाना चाहते हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए भी, लेकिन अलमिया यही है कि यहाँ पर रेगुलेशन कोई भी नहीं है। जिस शख्स को देखो वो हर गली नुक्कड़ पर अपना एक इमिग्रेशन का ऑफिस लेके बैठा हुआ है। मैं हर साल 2-4 मरतबा आता हूँ पाकिस्तान, इस दफ़ा ज़रा सा डिले के साथ कोविड की वजह से, लेकिन जब मैं अब आया हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मशरूम आउट हो गए हैं ये। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट या गवर्नमेंट ऑफ यूके, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ से जो मंजूर शुदा लोग हैं उनसे बात करें, या तो ख़ुद अप्लाई कीजिए या फिर जो मंजूर शुदा लोग हैं उनसे बात कीजिए, वो यकीनन आपको कनाडा में मिलेंगे। पाकिस्तान में शायद ना मिल पाएँ, लेकिन आजकल आप आराम से उनसे रब्ता कर सकते हैं। हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान ज़रूर आते हैं अपने पाकिस्तानियों को हेल्प करने के लिए। और अच्छा, ये लाइसेंस्ड लोग, क्योंकि देखिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको पता है क्राइसिस में होते हैं और बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये लाइसेंस्ड लोग पाकिस्तान में रहते हुए हम उनको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की बात हो रही है अगर, या फिर किसी भी गवर्नमेंट की आप बात करें, जनरली मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर के इमिग्रेशन के कवानीन के माहिरीन मौजूद हैं, तो वो बेशतर तो वहीं पाए जाएंगे। एक तो ये बात है, दूसरा उनके मेयार मुकर्रर हैं। आप लाइसेंसिंग के लिए आप पढ़ाई करते हैं, कई इतना महंगे $1 million का इंश्योरेंस लेके चलते हैं, CPD पॉइंट्स होते हैं, तो बड़ा मेयार मुकर्रर है। आपको उनकी रजिस्ट्रीज़ को चेक करना चाहिए, उनके लाइसेंस नंबर्स को चेक करना चाहिए और फिर उनसे खदमात लेनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप किसी भी XYZ को उसके ऑफिस में जाएं, बड़ा अच्छा खूबसूरत ऑफिस बनाया है, सोफे अच्छे रखे हुए हैं, ज़बरदस्त स्टाफ रखा हुआ है, लगता ही है कि आप बस एम्बेसी में दाखिल हुए और आपका वीज़ा बिल्कुल छपा है और तैयार होने वाला है। तो ये चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पे बुक का कवर पेज नहीं देखना, बुक को अंदर से भी अच्छे तरीके से देखना है वरना आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। अच्छा अर्शी साहिबा, मुझे आप बताइएगा कि वो लोग जो कि बिल्कुल यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे उनको कुछ पता नहीं होता, वहाँ पे उनका कुछ जानने वाला नहीं होता, एयरपोर्ट पहुँचते ही उनको सबसे पहले क्या करना है या फिर वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम तो जो है ये सर्विस समझें कि अपने सब लोगों को देते हैं कि जो है वो वहाँ आएँ, उनको सेटलमेंट की सारी सहूलतें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट पिकअप से लेके उनके मुख्तलिफ काम जो वहाँ हैं, जैसे लाइसेंस के बारे में, रिहाइश का जो मसला होता है उसका मसले के बारे में, और जो है स्कूलिंग जो सबसे बड़ा यहाँ इशू है पाकिस्तान में उसके बारे में, और भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी बैंक अकाउंट्स का मसला है एक्सक्यूज में, या सिम कार्ड बनवाना है, ये जितने भी वहाँ के कार्ड्स बनने हैं, हम उस सब के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं और जहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं हम करते हैं, ताकि उनको वहाँ आकर जो है वो कमी महसूस ना हो कि हम कहाँ आ गए, किस नई जगह आ गए। सही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी आमिर साहब बात करना चाह रही हूँ कि वो लोग जो कि किसी के चुंगल में आ गए, पैसे जमा करवा चुके हैं, उनको वेटिंग पे रखा जा रहा है, अब उनको अपना स्टेटस मालूम करने के लिए कहाँ रुजू करना पड़ेगा? और दूसरा ये भी बताएगा कि अब 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन इतने इतने पैसे लोग देते हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, आप क्या कहेंगे? देखिए सब, पहले तो जो फीस होनी चाहिए किसी भी कंसल्टेंट की वो मुनासिब ही होनी चाहिए। अगर आप इतने इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर आपको शायद शायबा होना शुरू हो जाए कि भाई इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और आपको कोई
सब्ज़ बाग दिखा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। यहाँ पर जो सिस्टम है लॉ इन्फोर्समेंट या प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट, शायद तवज्जो कुछ कम है रेगुलेशन के हवाले से। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर रेगुलेशन है कंसल्टेंट के मामले में, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ लोग रुझान है लोगों के जाने का, उनके साथ रबते करके रेगुलेट करने का मतलब यही है ना कि आम आवाम के पैसे ज़ाया ना हों। आम जो पब्लिक है, होता यही है कि आपको अगर आपने सबमिट करा दिया, कोई आपको सही जवाब नहीं दे रहा है, तो अगर तो वो लाइसेंस एडवाइज़र है तो वो उसकी रसाई है, मतलब आपने उसको ऑथराइज़ किया है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या गवर्नमेंट ऑफ यूके, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए उससे बात करेगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे को हायर कर लिया जो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तानी है, लाइसेंस भी नहीं है, उसने तो अपना नाम ही हजफ कर देना है आपके फॉर्म में से। इनको हम घोस्ट कंसल्टेंट कहते हैं, अनलाइसेंस घोस्ट, और काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सही। अच्छा, फाइनली मैं चाहूँगी कि वो लोग जो कि यहाँ से जाना चाहते हैं या फिर बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, उनको आप क्या इंकरेज करेंगे और उनके लिए आपका मैसेज क्या, आप दोनों का, पहले आमिर साहब आप बताइए फिर मैं अर्शी से भी पूछूँ। आपको ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट अगर बच्चों की तालीम है और अपने आप को ग्रूम करना है, कुछ मौाक़े देखने हैं, पाकिस्तान में भी कम मौाक़े नहीं हैं, काफ़ी अच्छा मुल्क है और यहाँ तरक्की भी होगी, इंशाल्लाह हो भी रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई, कुछ लोगों की तरजीहात होती हैं, कोई अजीज़ रिश्तेदार ही उस मुल्क में होते हैं, तो आप फोकस करें, आप किसी अच्छे एडवाइज़र को बात कर लें, अपना रिसर्च करें, ख़ुद भी अप्लाई करें, तो रिसर्च करके अप्लाई करें और इंशाल्लाह कामयाबी होगी आपको और बेहतर होगा। सही जी अर्शी, जो लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं, मैं तो उनसे कहूँगी कि बिल्कुल पैनिक में नहीं आए। कैनेडा इज़ अ मल्टीकल्चर कंट्री, सो उससे ये होता है कि आप घबरा रहे होते हैं, तो हम हैं वहाँ आपकी हेल्प करने के लिए, ये हमारी सर्विसेज का हिस्सा है और जो है हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। अच्छा, ये आपकी फ्री सर्विसेज हैं, आपको चार्ज नहीं करते? हाँ, नहीं, ये हमारी सर्विसेज का हिस्सा है। बेसिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्लाइंट को, चोली दामन का साथ हो जाता है, और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको उनकी पजीराई करना या उनको साथ देना या उनको गाइडलाइन देना, वो उसमें हम कोई चार्ज नहीं करते रिप्रेजेंट करने के लिए, नेचुरली हम कुछ फीस। अच्छा, वो लोग जो कि आपसे, आपकी भी बात सुन रहे हैं और आपसे रब्ता करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तवसुत से, आप उनको अपना नंबर देंगे या फिर आपका कोई विजिटिंग एड्रेस है, क्या देना चाहेंगे? आप हमें हमारे कैनेडियन ऑफिस पे डायरेक्टली रब्ता करें। हम यहाँ पे एजेंट मुकर्रर नहीं करते, यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हैं, घूम रहे हैं अपने अपने ऑफिस लेके, किसी का 15 साल का तजर्बा है, किसी का 20 साल का तजर्बा है, तो वो बेकार है। यहाँ पर आप बात, आप जाना कनाडा चाहते हैं तो आप कैनेडियन से बात करें, और मेरे जैसे और लाइसेंस एडवाइज़र्स भी हैं कैनेडा में, उनको अप्रोच करें। हमारा वेबसाइट के ऊपर हमारा मौजूद है, अगर आप सर्च करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन कर सकते हैं। जी, amirismail.com, वेरी सिंपल, amirismail.com पर आइए, उस पर देखिए, हमारे बारे में भी जानिए, क्योंकि रिसर्च करना एडवाइज़र के बारे में बड़ा ज़रूरी है। चलिए, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ही ज़बरदस्त कॉज है जिसके लिए आप यहाँ पर काम करें, क्योंकि बेशतर ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाना भी चाहते हैं और परेशान भी हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, और जो वहाँ पहुँच जाते हैं उनके लिए तो आप हैं ही ब्लेसिंग, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इस्माइल साहब और मिसेज अर दोनों हमारे शो पर आए और आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की, और अपना एड्रेस बता दिए वेबसाइट का, आप उस पर विज़िट कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।